इंसान को जैसा है वैसा स्वीकार करो। जो भी इंसान आपको मिलता है, आपके साथ में जो भी व्यक्ति है, उसको जैसा है वैसे उसका स्वीकार करो। क्या है कि हमारे आसपास में जो लोग हैं, हमारे फैमिली के मेंबर होंगे, हमारे दोस्त होंगे, हमारे कंपनी में होंगे, हमको लगता है कि ये व्यक्ति ने ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, और हमारे एक्सपेक्टेशंस अपेक्षाएं बहुत सारी रहती है और लोग बदलते नहीं है। फिर हमें फ्रस्ट्रेशन आता है जब लोग बदलते नहीं है, तो रिलेशनशिप खराब हो जाती है, रिश्ते खराब होते हैं। अपने आप को पूछो, क्या मैं इस व्यक्ति को जैसा है वैसा उसका स्वीकार कर सकता हूँ? क्या मैं इसकी सीढ़ी बना सकता हूँ, स्वीकार करने की सीढ़ी बना सकता हूँ? और यदि आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो अस्वीकार की अवस्था को भी स्वीकार करो कि मैं अवस्था ऐसी है मेरी कि मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अस्वीकार की अवस्था का भी स्वीकार करो। नकारात्मक भावना आपकी है तो उसका भी स्वीकार करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नकारात्मक भावना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चूज करना बहुत जरूरी है हमारे आसपास के लोगों को, और जब तक आप चूज नहीं करोगे तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। जीवन में आपको जो चीज मिलती है, जो भी चीज मिलती है, समझ लो कि वो आपको जरूरत है, इसलिए आपको मिल गई। जो आपके भाग्य में था वो आपको मिल गया, या आपने उसके लिए एक ऐसी स्पेस क्रिएट किया था कि वो मिल गई। फिर अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, आपने ही क्रिएट किया और इसलिए वो चीज आपके तरफ अट्रैक्ट हो गई है, और ये जीवन का नियम है। देखो, हम जाते हैं और हमारे रोड ट्रैफिक जाम हो जाता है, क्या मेरे लक में ऐसा क्यों होता है? ट्रैफिक जाम, मेरी चप्पल ही क्यों गुम हो जाती है? मुझे ये लोग क्यों नहीं मिलते हैं? मैं जब फोन करता हूँ तो फोन एंगेज कैसा आता है? या मेरी पोस्ट लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं? मतलब काफी सारी बातें हो सकती है, मगर ये समझ के चलो कि आपने उसके लिए एक जगह क्रिएट किया था, एक स्पेस दिया था, इसलिए वैसी घटनाएं आपके जीवन में हो रही है। यदि आपके साथ में अच्छा हो रहा है तो आपने अच्छी स्पेस क्रिएट की ताकि वो चीजें आपके तरफ मैग्नेट की तरफ आकर्षित हो जाए, और आपके साथ में बुरा हो रहा है तो वो चीजें आपके तरफ अट्रैक्ट हो रही है। जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। यदि हम समझते हैं कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड दिस इज व्हाट आई नीडेड, शायद इसकी मुझे जरूरत थी इसलिए ऐसा हो गया, तो यदि भाव हम रखते हैं तो कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन में हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे और वो चैलेंजिंग सिचुएशन में हम सीख सकेंगे। तो लोग हो उनका स्वीकार करो, परिस्थिति है उनका स्वीकार करो, घटनाएं होती रहती है उनका स्वीकार करो, उसकी सीढ़ी बनाओ। नकारात्मक विचार आते ही जाएंगे, क्योंकि ये सब जो होता है वो कारणीभूत होता है डिप्रेशन के लिए, और यदि डिप्रेशन में आप जाते हो तो डेफिनेटली फिर प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, उत्पादन क्षमता, दवाई लेनी पड़ेगी, काम पे नहीं जाओगे, एनर्जी खत्म हो जाएगी, और नए नए और बीमारियां होती जाएंगी। तो स्वीकार करना, चूज करना, और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है इसका भी स्वीकार करना, वहां से रास्ता निकालना, उसकी सीढ़ी बनाना, ये जरूरी है। तो क्या आप करोगे? यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली डिप्रेशन से आप मुक्ति पाओगे, आपको डिप्रेशन की दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टा मोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।